आज हम लोग सोल्व करते हैं सेशन 91 BSCRT 46 गाइडेड डू इट योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है कि ओपन ब्लिंक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड सेव द प्रेजेंटेशन ऑफ योर डेस्कटॉप एज लेसन प्रणाली यूजिंग फाइल टैब। स्टार्ट करते हैं। जब भी ओपन लिखा हो जाए तो क्वेश्चन खुद से ओपन करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है सर्च बार में और यहाँ पर टाइप करना है पावर पॉइंट। उसके बाद पावर पॉइंट को ओपन कर देना है। उसके बाद न्यू पर जाना है। न्यू पर जाने के बाद ब्लिंक प्रेजेंटेशन, यहाँ पर लिखा हुआ ब्लिंक प्रेजेंटेशन, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फाइल टैब पर जाना है। देख सकते हैं यहाँ फाइल टैब लिखा हुआ, इस पर क्लिक कर देना है और सेवेज पर क्लिक करना है। उसके बाद ब्राउज पर क्लिक करना है। उसके बाद लोकेशन जो है डेस्कटॉप को सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ स्क्रॉल करके डेस्कटॉप पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो फाइल नेम जो दिया हुआ है लेसन प्लानर, आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। लेसन या आप कुछ भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद सेव कर दें। जैसे ही सेव हो जाता है तो क्वेश्चन को सबमिट कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 टू कलर इन द गिवन प्रेजेंटेशन इंसर्ट रिक्टेंगल शेप एंड चेंज शेप कलर ग्रे एसेंटली 3 लाइटली 60% एंड शेप आउटलाइन नो आउटलाइन एंड फॉर्मेटिव एंड शेप स्टाइल। स्टार्ट। सबसे पहले इंसर्ट टैब पर जाना है। आप देख सकते हैं इंसर्ट लिखा हुआ, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद शेप्स पर क्लिक करना। आप देख सकते हैं जो शेप्स लिखा हुआ, उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से जो है शेप्स का जो नाम दिया गया है रिक्टेंगल, यहाँ जो रिक्टेंगल शेप, इस पर क्लिक करके पेज पर ड्रॉ कर दे माउस से। उसके बाद कह रहा है कि कलर ग्रे एसेंटली 6। उसके बाद जाना है फिल कलर में। आप देख सकते हैं फिल कलर है, फॉर्मेट टैब में फिल कलर है, इस पर क्लिक कर लेना है और ग्रे ग्रे 60% 50 या इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कह रहा है कि आउटलाइन नो आउटलाइन। उसके बाद फिर से शेप आउटलाइन पर जाना है और यहाँ से आपको ये नो आउटलाइन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद क्वेश्चन को सबमिट कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 भी सोल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन द डिस्प्ले प्रेजेंटेशन इंसर्ट पिक्चर ऑफ योर चॉइस फ्रॉम योर डेस्कटॉप यूजिंग इंसर्ट टैब एंड इमेज ग्रुप। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंसर्ट टैब पर जाना है। इंसर्ट टैब पर जाना है। उसके बाद इमेज ग्रुप में आप देख सकते हैं पिक्चर से जो लिखा हुआ, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दिस डिवाइस, इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ कह रहा है कि डेस्कटॉप पर क्लिक करना है। यहाँ से कोई भी पिक्चर जो डेस्कटॉप पर है उस पर क्लिक करके इंसर्ट कर दें। इंसर्ट होने के बाद क्वेश्चन को सबमिट कर दें। सबमिट नहीं लिया है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सबमिट नहीं लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। 4 कह रहा है कि इन द डिस्प्ले प्रेजेंटेशन इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स एंड इंटर द टेक्स्ट SBJ हाई स्कूल। स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है। टेक्स्ट बॉक्स लेने के लिए इंसर्ट टैब पर जाना है। आप देख सकते हैं इंसर्ट टैब है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देख सकते हैं ये टेक्स्ट ग्रुप में टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद पेज पर आप कहीं पर भी ड्रॉ कर दें माउस से, और यहाँ आपको टाइप करना है SBJ हाई स्कूल। उसके बाद क्वेश्चन को सबमिट कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 भी सोल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सेलेक्ट द टेस्ट लेसन प्लानर एंड अप्लाई वर्ड आर्ट स्टाइल योर चॉइस फॉर्मेटिव एंड वर्ड आर्ट। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है लेसन प्लानर, जो आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट टैब पर जाना है। उसके बाद कह रहा है वर्ड आर्ट, यहाँ आप देख सकते हैं वर्ड आर्ट है, इनमें से कोई भी वर्ड आर्ट क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। ये जितने भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं सभी में वर्ड आर्ट अप्लाई करना है, तब जा कर के ये क्वेश्चन सबमिट लेगा। इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें भी वर्ड आर्ट लगा देते हैं। नीचे में जो दिया हुआ टेक्स्ट इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें भी वर्ड आर्ट लगा देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन को सबमिट करें। क्वेश्चन नंबर 5 भी सोल्व हो गया है। 6 कह रहा है इन द गिवन प्रेजेंटेशन सेलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट SBJ हाई स्कूल एंड सेंड टू सेलेक्टेड टेक्स्ट बॉक्स बिहाइंड ऑफ द रेक्टेंगल शेप यूजिंग फॉर्मेटेड टेब एंड एवरेज ग्रुप। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि सेलेक्ट द टेक्स्ट विद द SBJ हाई स्कूल। आप यहाँ देख सकते हैं SBJ हाई स्कूल है, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कह रहा है एंड सेंड टू सेलेक्टेड टेक्स्ट बिहाइंड। उसके बाद सेव फॉर्मेट पर जाना है। उसके बाद एवरेज ग्रुप में जाना है, और यहाँ आप देख सकते हैं सेंड बैकवर्ड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। और दूसरा नंबर में सेंड टू बैक, यहाँ लिखा हुआ सेंड टू बैक, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद क्वेश्चन को सबमिट कर दें। 6 भी सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सेलेक्ट द टेस्ट SBJ हाई स्कूल एंड चेंज फॉन्ट टू बेल MT एंड फॉन्ट साइज 32 एंड चेंज फॉन्ट कलर ऑरेंज। तो सबसे पहले स्टार्ट एग्जाम कहते हैं। सबसे पहले जो SBJ हाई स्कूल लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट कर लेना। आप यहां देख सकते हैं SBJ हाई स्कूल है, इस पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेना है कर्सर से, माउस से। उसके बाद कह रहा है कि फॉन्ट स्टाइल, उसके बाद होम टैब में जाना। आप यहाँ देख सकते हैं ये फॉन्ट स्टाइल ग्रुप में फॉन्ट स्टाइल कह रहा है कि बेल MT। यहाँ आप टाइप भी कर सकते हैं या आप स्क्रोल भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ टाइप करना है BELL। उसके बाद देख सकते हैं बेल MT करके फॉन्ट स्टाइल आ गया, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कह रहा है कि साइज जो है, साइज ग्रुप पर जाना है। यहाँ साइज जो है 32 पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कह रहा है कि फॉन्ट कलर ऑरेंज, उसके बाद फॉन्ट कलर पर जाना है। अब फॉन्ट कलर कह रहा है ऑरेंज, ये रहा ऑरेंज कलर, इस पर क्लिक कर देना है। फॉन्ट स्टाइल बेल MT एंड साइज 32 एंड फॉन्ट कलर ऑरेंज करने के बाद क्वेश्चन को सबमिट कर दें। क्वेश्चन नंबर 7 भी सोल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि स्लाइड नंबर 2 गिवन प्रेजेंटेशन इंसर्ट 2x3 टेबल। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्लाइड नंबर 2 पर जाना। आप देख सकते हैं ये स्लाइड नंबर 2 रहा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इंसर्ट टैब पर जाना है, और उसके बाद यहाँ टेक्स्ट देख सकते हैं टेबल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इंसर्ट टेबल पर क्लिक करना है, और यहाँ जो टेबल जो दिया हुआ है ऊपर में आपको टाइप कर देना है 2, और नीचे
और नीचे में आपको तीन टाइप कर देना है। इसे बैक स्पेस मिटा करके यहाँ टाइप कर सकते हैं थ्री। आप यहाँ देख सकते हैं जो ये जो दिया हुआ स्पेस से भी आप ले सकते हैं। उसके बाद ओके कर देना है। 2x3 टेबल लेने के बाद क्वेश्चन को सबमिट कर दें। क्वेश्चन नंबर 8 भी सोल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन द गिवन प्रेजेंटेशन सेलेक्ट द इमेज स्लाइड नंबर 1 एंड अप्लाई ब्राइटनेस कंटेंट ऑफ योर चॉइस। तो फॉर्मेट टैब पर जाना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्लाइड नंबर 1 पर जाना है, या 1 पर ही है। उसके बाद कह रहा है कि सेलेक्ट द इमेज, तो इमेज नंबर जो 2 है इस पर सेलेक्ट कर लेना है या क्लिक कर देना है। उसके बाद पिक्चर्स डिजाइन पर जाना। आप देख सकते हैं जो पिक्चर्स फॉर्मेट लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना है। और कह रहा है कि ब्राइटनेस, ये आप यहाँ रहा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इनमें से कोई भी किसी एक पर क्लिक कर दें और क्वेश्चन को सबमिट कर दें। क्वेश्चन नंबर 9 भी सोल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इन द गिवन प्रेजेंटेशन सेलेक्ट द इमेज एंड अप्लाई एनी आर्टिस्ट इफेक्ट टू यूजिंग फॉर्मेट टैब। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि सेलेक्ट द इमेज एंड अप्लाई। तो इमेज जो यहाँ दिया हुआ है इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद पिक्चर फॉर्मेट पर जाना है। उसके बाद कह रहा है कि आर्टिस्ट, आप यहाँ देख सकते हैं आर्टिस्ट इफेक्ट लिखा हुआ है। इस एरो पर क्लिक कर देना है। इनमें से किसी एक पर क्लिक करके क्वेश्चन को सबमिट कर दें। क्वेश्चन नंबर 10 भी सोल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बन रहा है। तो आगे क्वेश्चन सिमुलेशन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। उसके बाद प्रोसेस फोलियो खुद से बना लेना है और सिमुलेशन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इमेज कैन हेल्प यू कन्वर्जेशन इन्फॉर्मेशन। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि इंसल्ट है ना, तो सबसे पहले इंसल्ट टैब पर जाना है। उसके बाद पिक्चर्स पर क्लिक करना है। उसके बाद इनमें से कोई भी पिक्चर्स को सेलेक्ट करके नहीं सॉरी क्लासरूम जो पिक्चर्स है इस पर क्लिक करके इंसल्ट कर देना है। उसके बाद सेव कर देना। पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वांट टू रिप्लेस कॉपी एंड सेलेक्टेड टेक्स्ट। तो सबसे पहले जो टेक्स्ट जो दिया हुआ है फॉर्मेट टैब पर जाना है। सबसे पहले फॉर्मेट टैब पर जाना है। उसके बाद सेंड टू बैकवर्ड पर क्लिक करना है। उसके बाद सेंड टू बैक पर क्लिक कर देना है, नहीं सॉरी सेंड बैकवर्ड पर क्लिक करना है। उसके बाद सेव कर दें। दूसरा क्वेश्चन भी सोल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इंसल्ट साइकिल इमेज। सबसे पहले इंसल्ट टैब पर जाना है। उसके बाद सेव्स पर क्लिक करना है। यहाँ कह रहा है इसमें से नहीं, ये नहीं, सर्किल कह रहा है, सर्किल साइकिल लेना। आप यहाँ देख सकते हैं इस पर क्लिक करना है। ओवल जो शेप है उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद कह रहा है ग्रीन कलर, तो शेप फिल पर जाना है और ग्रीन कलर पर क्लिक करना है। ग्रीन असेंबली 6, ये नहीं रहा, इधर ग्रीन असेंबली 6 ये रहा, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद कह रहा है कि आउटलाइन रिमूव। उसके बाद शेप आउटलाइन पर जाएंगे और नो आउटलाइन पर क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंसर्ट टैब पर जाना है। उसके बाद शेप्स पर क्लिक करना है और यहाँ से रिक्टेंगल शेप्स को ले लेना है। उसके बाद इस एरो पर क्लिक करना है और 3 नंबर इस पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से शेप आउटलाइन पर जाना है और लेंथ पर क्लिक करना है यहाँ पर 1 PT इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सेव कर दें।
सिमुलेशन क्वेश्चन भी सोल्व हो गया है और आगे जो है सेशन कंपटीशन टेस्ट को सोल्व कहते हैं। पहला क्वेश्चन का यू वांट टू परचेज ऑफ मोबाइल फोन वेबसाइट फ्लिपकार्ट, तो इसका आंसर होगा मोबाइल या फ्लिपकार्ट को परचेज करने के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाना है। दो नंबर, दूसरा कह रहा है कि इफ़ यू वांट टू बाइंग ए आइटम ओवर द इंटरनेट मीन्स यू, इसका होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, कोई भी चीज़ खरीदने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब चार नंबर आंसर मानना है। तीसरा नंबर कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन्स डाउनलोड, नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से क्या आप गाना को डाउनलोड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसका होगा फॉल्स। चौथा नंबर कह रहा है ई कॉमर्स इज ओपन सिक्योर एप्लीकेशन, कह रहा है कि ई कॉमर्स जो है ओपन सिक्योर एप्लीकेशन है, ई कॉमर्स सिक्योर एप्लीकेशन नहीं है, इसका आंसर होगा फॉल्स। दो नंबर,